आलू टिक्की चाट हम सबको पसंद है, पर आज हम स्पेशल आलू टिक्की चाट बनाएंगे सीक्रेट फिलिंग के साथ, और साथ में रहेगा तीनों चटपटी चटनियाँ। और ये आलू टिक्की चाट बाजार से भी बेहतर बने हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीतमास किचन। तो चलिए शुरू करते हैं ये बहुत ही टेस्टी चटपटा आलू टिक्की चाट की रेसिपी। तो आलू टिक्की चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 150 ग्राम इमली, और इसे मैंने पानी में कुछ देर के लिए भिगो कर रख दिया था। अब हम इससे इमली का पल्प निकाल लेंगे। तो एक छन्नी की मदद से अब हम इसे छान लेंगे ताकि इससे सारे गंदगी निकल जाए। तो इस तरह से इसे छान लीजिए। इमली के पल्प को छानते वक्त मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसे छान लिया है। तो अब हम चटनी बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में सबसे पहले हम इमली के पल्प डाल देंगे। हमें इसे अच्छे से पकाना है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। इसमें हम चौथाई छोटा चम्मच हींग डाल देंगे, और उसी के साथ आधा कप मतलब 100 ग्राम के करीब गुड़ डाल देंगे। गुड़ से ये चटनी का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देने के बाद अभी इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि चौथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी इसमें ऑप्शनल है, पर एक चुटकी हल्दी इसमें आप डाल सकते हैं। एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। उसी के साथ यहाँ पे थोड़ा सा काला नमक डाला है, बहुत ही खास चीज़, चटपटा टेस्ट देंगे ये। एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। थोड़ा सा सौंफ को तावे पे रोस्ट करके इसमें डाला है, इससे ये चटनी में उमदा फ्लेवर आएगा। और स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर देने के बाद अभी इसको हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना है। 7-8 मिनट बाद ये देखिए इसके जो कंसिस्टेंसी, ये पहले से गाढ़ा हो चुका है, और आप देख सकते हैं इसका रंग कितना गहरा आ चुका है। अभी गैस बंद करके ये चटनी को हम ठंडा होने देंगे। तो जब तक हमारा इमली की चटनी ठंडा हो रहा है, उस दौरान हम टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो आलू टिक्की बनाने के लिए यहाँ मैंने 5 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिया है। आलू का छिलका मैंने निकाल लिया है। तो अब हम आलू को ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने से टिक्की का मिक्सचर स्मूथ और बढ़िया बनेगा। इनको 90% उबालना है। ध्यान रखना है आलू में कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आलू अगर गीला हो तो टिक्की ठीक तरह से नहीं बनेगी। तो सारे आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें एक छोटा चम्मच घिसा हुआ अदरक डाल देंगे। अदरक को भी घिस करके लेना है। आलू और अदरक का बढ़िया कॉम्बिनेशन है। उसी के साथ 2 चॉप्ड हरी मिर्च डाला है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए। फिर हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा मिक्स कर देने के बाद इसमें हम 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर यानी कि कॉर्न स्टार्च ऐड कर देंगे, और फिर अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। इससे क्या होगा, इससे इसमें एक बाइंडिंग आ जाएगा। अभी गैस पर एक तावे पे 1 चम्मच घी डाल के घी को इस तरह से फैलाएंगे। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा, इसमें हम थोड़ा सा काजू और किशमिश डाल देंगे। काजू को मैंने हाफ में तोड़ लिया है। काजू किशमिश आलू टिक्की में ऑप्शनल है, पर इससे ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट आते हैं टिक्की में। आप चाहे तो मूंगफली को फ्राई करके भी इसके जगह यूज़ कर सकते हैं। किशमिश को मैंने यूज़ किया है क्योंकि थोड़ा सा मीठापन भी चाहिए। काजू किशमिश को फ्राई करके एक बोल में निकाल लीजिए। अभी इनको इस तरह से चॉप कर लेना है। तो ये चॉप किए हुए काजू किशमिश को एक मिक्सिंग बोल में डाल दिया है। इसमें हम 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल डाल देंगे। फिर इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए। अभी इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, चौथाई छोटा चम्मच बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर।
आधा छोटा चम्मच घिसा हुआ अदरक डाल दीजिए इसमें। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। अब हम यहाँ पे दो ब्रेड लेकर ब्रेड को इस तरह से छोटे टुकड़ों में तोड़ के डाल देंगे और एकदम लास्ट में आधा नींबू को इस तरह से निचोड़ के डाल देंगे। ये जो मिक्सचर तैयार हो रहा है ये है स्टफिंग। ये स्टफिंग या फिलिंग आलू के अंदर जाएगा। दोस्तों यकीन मानिए ये गजब का फिलिंग बनी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटे बने हैं। तो ये मज़ेदार स्टफिंग हमारा तैयार है। तो अब चलिए आलू टिक्की बना लेते हैं। पहले हाथों को तेल से ग्रीस कर लीजिए। आप थोड़ा सा आलू का मिश्रण लेकर इसे पहले गोल करके चपटा कीजिए और फिर एक कटोरी जैसे बना लीजिए। सेंटर वाला पोर्शन को थोड़ा मोटा रखिए। अब इसमें 2 चम्मच स्टफिंग्स भरिए। स्टफिंग्स को गीला मत करिए, स्टफिंग्स थोड़ा ड्राई होना चाहिए, और इसमें भर दीजिए। चारों ओर से इस तरह से इसे मोड़ दीजिए और चिपका दीजिए। ये देखिए ये बॉल जैसे बन गया है। अब इसे चपटा करके टिक्की की शेप दीजिए। साइड्स को इस तरह से सेट कर दीजिए। टिक्की की शेप और साइज आप अपने पसंद अनुसार रख सकते हैं। तो पहला टिक्की हमारा तैयार है, इसे एक प्लेट में रख दिया है। इस तरह से बाकी की टिक्कियाँ हम तैयार कर लेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है। थोड़ा स्पेशल तरीके से आज हम आलू टिक्की को बना रहे हैं। फिलिंग वाला आलू टिक्की खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और ख़ासकर ये तो मेरा फेवरेट है। तो सारे टिक्की को हम इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सारे टिक्की जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो अब चलिए झटपट इन्हें हम तावे पे सेक लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक तावा लिया है, क्योंकि हाँ ये टिक्की को हम थोड़ा सा ही तेल में तावे पे शैलो फ्राई करेंगे। ज़्यादा तेल खाना हमारे सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, पर अगर आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई कर सकते हैं। तो बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाल के इसे हम गर्म कर लेंगे। अभी गर्म तेल में एक एक करके 4 टिक्की रख देंगे और इन्हें हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर सेक लेंगे। तो पहले एक पीठ हम सेकने देंगे और 2-3 मिनट के बाद इन्हें हम इस तरह से पलट देंगे। ये देखिए टिक्की के एक पीठ एकदम गोल्डन होके सेक गए हैं। तो अब दूसरे साइड को भी इस तरह से सुनहरा करके सेक लेंगे। टिक्की को आप धीरे धीरे दोनों साइड से एकदम सुनहरा करके फ्राई कर लीजिए, इससे ये बढ़िया सिकेगी। तो ये हमारा 4 टिक्कियाँ दोनों साइड से बढ़िया फ्राई होके तैयार हो चुके हैं। देखिए कितना बढ़िया टिक्कियाँ हमारा फ्राई होके तैयार है, और इन्हें फ्राई करने के बाद भी तेल हमारा वैसे के वैसे ही रह गया है। तो बाकी टिक्कियाँ को भी इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो हमारे सारे टिक्की फ्राई होके रेडी है और ये बहुत ही क्रिस्पी भी हुई है। तो अब हम इससे चाट बनाएंगे। तो चाट के लिए 3 चटनियाँ हमारा तैयार है। ये देखिए ये खट्टी मीठी बहुत ही टेस्टी इमली की चटनी तैयार है। यह हमारा दही की चटनी तैयार है। 1/2 कप दही में थोड़ा सा पानी, 1/2 छोटा चम्मच काला नमक और 1 छोटा चम्मच चीनी डाल के एक व्हिस्कर से इसे अच्छे से फेंट लिया है, और उसी के साथ है स्पाइसी चटपटी हरी चटनी यानी कि ग्रीन चटनी। इसको बनाने की विधि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख लेना। ये 3 चटनियाँ आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया टेस्टी लग रहा है। तो पहले हम इसमें डाल देंगे खट्टी मीठी दही की चटनी। इसे अच्छे से डालिए। फिर हम इसमें डाल देंगे इमली की खट्टी मीठी लाल चटनी। इसे बनाना बहुत ही आसान है।
और इसके बाद हम डाल देंगे स्पाइसी और चटपटी हरी चटनी। ये देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं, है ना। मेरे मुंह में तो पानी आ गया है। अभी यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा भुनी हुई जीरा मसाला, बिल्कुल थोड़े से काला नमक, बहुत ही ज़रूरी चीज़, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, और एकदम लास्ट में ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा सेव और आलू भुजिया। और ये बहुत ही टेस्टी मुंह में पानी लाने वाला आलू टिक्की चाट बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। अब हम थोड़ा सा चाट टेस्ट करके देखते हैं। क्या बात है दोस्तों। तो अब से क्या आप बाजार का अनहाइजीनिक चाट खाएंगे या फिर घर की बनाई हुई फ्रेश और टेस्टी चाट खाना पसंद करेंगे? कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजिए। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करें ये रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो ऐसे नए नए रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए श्री थॉमस किचन चैनल को, साथ में बेल आइकॉन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। इससे मेरी सारे रेसिपीज़ के अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।